लोग गोपालगंज की जनता को बताना चाहिए कि जिस लड़के को पुलिस ने यहाँ अरेस्ट कर लिया है फिजूल की बात में, क्योंकि उस लड़के ने जो सवाल उठाया है वो कोई गलत सवाल नहीं उठाया है, आने से पहले कम से कम मानवता के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर थोड़ा भी उनको कुछ कंसिडरेशन है तो उस लड़के को तुरंत छोड़ना चाहिए। और गोपालगंज में आएंगे तो मैंने जो सारी समस्या बताई है तो नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग तो बहुत बड़े आदमी है तो बोलना इस पर उचित नहीं समझेंगे, लेकिन उनके छोटे लोग ही बता दें कि भाई ये जो समस्या प्रशांत किशोर गिनवा रहे हैं ये सब हवा में बात है, इसकी स्थिति ये है, और अगर जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है तो इसका समाधान करके दिखा दे, इसमें 1%, 10%, 5% का समाधान कर दे। अब गोपालगंज में आधे से ज्यादा प्रखंड में बाढ़ आता है, इसका समाधान अगर नीतीश कुमार 5 घंटे की अपनी यात्रा में कर पा रहे हैं तो 17 साल से मुख्यमंत्री है, समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था आप लोग। और अंतिम बात कि 17 साल के बाद कम से कम चलिए इतना तो उन्होंने माना, हमारी सफलता इसी में है कि उनको कम से कम हमने बंगले से बाहर तो निकाल दिया है। ये भाई साहब तो कोरोना के दौरान जब पूरे बिहार की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, बच्चे रोडों पर घूम रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बिहार पूरे भारत में हंसी का पात्र बना हुआ था बिहार और बिहार के लोग, तब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री 2 महीने तक अपने बंगले से निकलकर ऑफिस तक नहीं आए, उस लहजे से अगर वो जिलों में आकर लोगों से मिल बात कर रहे हैं अफसरों से ही सही तो वही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आपको जानकारी नहीं है मैंने कभी किसी से करोड़ों रुपया लिया नहीं, अगर लिया होता तो आज वो मदद क्यों करते, आप मुझे जानते नहीं है उतना व्यक्तिगत तौर पर, ना उस व्यवस्था को आपने समझा है कि जो मैं काम करता था उसका मॉडल इकोनॉमिक मॉडल क्या था। मैंने उनकी मदद की, उनकी सरकार वहां बन गई, उनमें से कुछ लोगों से हम मदद मांग रहे हैं कि हम यहां पर एक नया प्रयोग कर रहे हैं, इसमें अपने लोगों से, अपने राज्य के लोगों से या जिन जो मदद करने की स्थिति में उनसे हमारी थोड़ी मदद कराइए, उनका क्या फायदा हुआ आपका क्या फायदा हुआ ये तो अलग विषय है। जब मैंने वहां काम किया तो वहां की जनता को फायदा समझ में आया होगा तभी उनको वोट दिया होगा, ये तो वहां का विषय है। अरे भैया आप बातें भी समझ रहे हो, मैं कोई प्रोफेशनल, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको भी चुनौती दे रहा हूं, जिन पार्टियों के साथ हमने काम किया है इंक्लूडिंग आपके प्रधानमंत्री, हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप जरूर उनसे पूछिए कि साहब प्रशांत किशोर को आपने कितना फीस दिया था, अगर कोई नेता नीतीश जी के साथ भी हमने काम किया है आपको ये बता दे कि भाई उनको हमने 100 रुपया दिया है फीस के तौर पर, अगर कोई कह देगा तो आप अपना जूता अगली बार ले आइएगा, उसको हम अपने सर पर रखकर आपके कैमरे के सामने पैदल चल देंगे, आप लेकिन ये कहलवा के दिखाइए कि किसी ने 1 रुपया भी दिया हो। जो मैं एक नई व्यवस्था बनवा रहा हूं जिसमें ग्रामीण युवा या बिहार के युवा अपने जरिए बच्चों के पढ़ाई और खेलकूद की व्यवस्था अपने पंचायत में करा रहे हैं, जनसुराज के अभियान के तहत हर पंचायत में क्लब खोले जा रहे हैं, यूथ क्लब, आपके गोपालगंज में करीब करीब 500 ऐसे क्लब खुले हुए हैं और हर क्लब में मिनिमम 100 युवा जुड़े हुए हैं, और मेरे निकलने से पहले ये 500 क्लब खुले हुए हैं, ये संख्या अभी आगे बढ़कर हर पंचायत में 5-7 हो जाएगी, अभी हर पंचायत में 2-3 खुला हुआ है। पदयात्रा के दौरान क्लब खोलने के लिए, क्लब का मतलब यह है कि उस पंचायत के 100 युवाओं ने मिलकर एक ये संगठन बनाया, एक क्लब बनाया और उस क्लब के जरिए अपने पंचायत में खेलकूद की व्यवस्था, अपने पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की सुविधा, और वहां पर जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन के लोग हैं उनको चिन्हित करना और सरकार से मदद कराकर उनको योजना का लाभ दिलाना, तो इसको आप बड़े पैमाने पर देखेंगे मार्च तक गोपालगंज में ऐसे 1000 क्लब फंक्शनल आपको पूरे जिले में दिखेंगे। ये पीछे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बन चुके, वहां पर लोगों ने अपनी प्रतियोगिताएं शुरू करा दी, लोगों ने हर क्लब ने 4-4 खेलकूद की टीम बनाई है। गोपालगंज में कल ही मीटिंग हुई है जिसमें 300 से ज्यादा क्लब के लोगों ने मिलकर तय किया है कि हर क्लब में, मतलब हर पंचायत में एक दौड़ की 15 लोगों की टीम हो।